इसी बाबत की लगातार चलेगी रथ यात्रा, लोगों का जन समर्थन हमें मिले यही हमारी कोशिश है। तो इंडिया वॉइस पर बोले हैं सीएम अखिलेश यादव की लगातार चलेगी ये रथ यात्रा, लोगों का जन समर्थन मिले यही हमारी कोशिश। तो बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि व्यस्त थे ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन जो भी कहा वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों का जन समर्थन मिले यही हमारी कोशिश है, क्योंकि हुजूम इतना है, साथ साथ चल रहा है रथ यात्रा, लगातार चल भी इसलिए रही है क्योंकि काफी देरी हो गई, कार्यक्रम शुरू होने में भी देरी हुई क्योंकि मुलायम सिंह यादव थोड़ा देर से पहुंचे थे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही बीच में विकास रथ जो था वो खराब हुआ, उसको देखते हुए भी अब कहीं नहीं रुक रहे हैं, सीधे उन्नाव की तरफ रवाना हो गए हैं। लेकिन इसी बीच सीएम अखिलेश यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में कहा है कि ये रथ यात्रा लगातार चलती रहेगी, लोगों का जन समर्थन मिले बस यही हमारी कोशिश है। और जन समर्थन शब्द इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में जन समर्थन से ही कोई भी दल, चाहे वो छोटा दल हो या बड़ा दल हो, वो सत्ता में आता है। और इसी जन समर्थन के लिए ही ये रथ यात्रा निकाली जा रही है और यही कोशिश लगातार अखिलेश यादव की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप तस्वीरें देख सकते हैं, इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव है कि आज सीएम अखिलेश यादव नहीं बल्कि पार्टी के एक नेता, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर सड़क पर उतरे हैं। सर पर आप लाल टोपी देख सकते हैं, ये वही सीएम अखिलेश यादव आज नजर आए जो 2012 में रथ लेकर निकले थे, सूबे के चप्पे चप्पे तक पहुंचे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, व्यस्त थे सीएम, ज्यादा देर बात नहीं कर पाए, लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने मनीष? कई पड़ाव थे मुख्यमंत्री के, तो एक पड़ाव में इतनी बातचीत हुई, दूसरे पड़ाव में लंबी बातचीत हुई, करीब चार सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। रामगोपाल यादव और आजम खां इस यात्रा से दूर रहे हैं, रामगोपाल यादव चूंकि पार्टी से बाहर है, लेकिन कई ऐसे लोग भी जो पार्टी से बाहर हैं इस बार मंच पे थे, लेकिन रामगोपाल यादव नहीं थे। आजम खां लंबे अरसे से इस विवाद में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इस यात्रा से भी पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। दोनों के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों का आशीर्वाद उनके साथ है और लगातार लोगों ने विकास को पसंद किया है और जो जनसमूह उमड़ा है वो उनके विकास को प्रमाणित करने वाले चुनावों में उनके जोश को बढ़ाएगा कि चुनाव में अगर उन्हें विजयश्री हासिल होती है तो विकास के रास्ते पर उछलेंगे। मुख्यमंत्री काफी जोश से लबरेज दिखे, जो जनसमूह उमड़ा बिल्कुल वो धन्यवाद भी उन्होंने दिया प्रचार। बिल्कुल मनीष, और लगातार आपने नजर बनाए रखी जब तक परिवार की दार चली, और आज तक एक चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी, कहीं ना कहीं गुस्सा था, आक्रोश था थोड़े दिनों पहले तक, लेकिन आज जन समर्थन जैसा मिला उन्हें, जन समूह टूटा इस कार्यक्रम के दौरान, आज चेहरा बड़ा जोशीला दिखा मुख्यमंत्री का, क्यों मनीष? जी प्रज्वल, हाँ बिल्कुल, आज जोश से लबरेज दिख रहे थे लेकिन थोड़े दिनों पहले तक बड़े मायूस, बड़े गुस्से में रहते थे एक परिवार की दार को लेकर, आज लेकिन जन समर्थन टूटा है तो बड़े खुश नजर आए हैं आज। बिल्कुल, चुनावों का समय है, नेता के लिए जनता बहुत जरूरी है, जनता का सहयोग, नेता चार साल मेहनत करता है उस सहयोग को पाने के लिए, उस चार साल का परिणाम आज अखिलेश यादव को मिल रहा है। वो रुककर नवाबगंज में यहाँ पर भाषण भी दे रहे हैं, हालांकि अभी तक गाड़ी से किसी जनसभा में नहीं निकले थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपके थोड़ा जा रही हूँ स्टूडियो तक तो दर्शकों को मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर नवाबगंज में जो रैली उमड़ी है, रैली की शक्ल में जो भीड़ उमड़ी है उसको संबोधित कर रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि विकास को प्रमाणित किया जा रहा है, तो जी जी अब वही सहयोग उनके चेहरे की रौनक बनकर उभर पड़ा है जो बीते दिनों में मायूसी की शक्ल अख्तियार की होती जी। मनीष, 2012 में भी आप मौजूद थे लखनऊ और उस दौरान भी आपने कवर किया था वो रथ यात्रा को, तब भी सीएम नहीं थे लेकिन अब सीएम है, लेकिन आज जिस तरह से लाल टोपी निकाली और बिल्कुल कार्यकर्ता और नेता की तरह निकले हैं अखिलेश यादव, जन समर्थन कैसा मिल रहा है एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, उस वक्त क्रांति रथ था, परिवर्तन की तैयार थी, आज सत्ता में है, लेकिन विकास जन समर्थन जिस रफ्तार से मिला,
जी जी तो समझ सकते हैं मनीष, आज जल्दबाजी भी रही होगी और जिस तरह का जनसमर्थन टूटा है उसमें आप भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे, इसलिए स्पष्ट आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जो आप तक हमारे पास पहुंचाया है, ये फुटेज, ये बातें। तो इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। इंडिया वॉइस से बातचीत में उन्होंने कहा है बार बार कि लोगों का जनसमर्थन मिले, यही हमारी कोशिश है और ये रथ यात्रा लगातार चलेगी, लगातार चलेगी, क्योंकि जिस तरह से ब्रेक लग गया विकास रथ पर तो कहीं ना कहीं नाराज तो थोड़े थे लेकिन अपनी ही गाड़ी पर निकल पड़े।